हेलो दोस्तों, अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा चल रहा है कि यूपी जेल वार्डर का रिजल्ट कब आएगा, एक लेटेस्ट कट ऑफ क्या रहेगी, नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, और आपका जो पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पर बताऊंगा कि यूपी जेल वार्डर का रिजल्ट की डेट क्या रहेगी, अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है तो आपने यूट्यूब की सबसे शानदार और जानदार वीडियो पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर मैं बच्चों की डिमांड के अनुसार एक बार फिर आपके सामने लेटेस्ट कट ऑफ लेकर आ गया हूँ, जो बिल्कुल नई कट ऑफ है। इस कट ऑफ को देखने के बाद डेफिनेटली आप लोगों को पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपके अगर इतने नंबर बन रहे हैं, आप लोग सेफ जोन में हो, आप लोगों के इतने नंबर हैं तो आप लोगों के नौकरी के पूरे पूरे चांस हैं। यह वीडियो आपके लिए इतना बेस्ट होने वाला है मैं आपको बता नहीं सकता। एक एक जानकारी दूंगा, पूरा एनालिसिस के आधार पर बात करेंगे और जो भी बात होगी बिल्कुल 100% रियल बात होगी एनालिसिस के आधार पर। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैं एक आपको संपूर्ण कट ऑफ देने जा रहा हूँ, काफ़ी बेहतरीन ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो गाइज, आप लोगों से विनती है वीडियो को सपोर्ट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। तो गाइज, ये वीडियो आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है और बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। एक एक जानकारी ले लेते हैं एनालिसिस के आधार पर। तो गाइज, सबसे बड़ी बात, जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, अगर आप 2021 में एक नौकरी लेना चाहते हो, मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, ट्रिक से पढ़ाई करना चाहते हो, ये चैनल का लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जामेटिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो गाइज, पूरी जानकारी ले लेते हैं, एनालिसिस के आधार पर बात कर लेते हैं, मैं आपको पूरा कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, अगर आपके कम नंबर हैं आप लोगों के लिए भी चांस है। ठीक है गाइज, और मैं पूरा कारण बताने जा रहा हूँ, पूरी ऑफिशियल न्यूज़ मेरे सामने है। ठीक है गाइज, जब आपकी यहाँ पर परीक्षा हुई थी 19 और 20 दिसंबर में, तो क्या हुआ था उस टाइम पे? वहाँ पर आपके टोटल 70,000 बच्चे ही प्रेजेंट हो पाए थे। बच्चों की अनुपस्थिति के कारण कट ऑफ आपका गिरेगा, 100% आपका कट ऑफ गिरेगा और आप लोगों का सपना जरूर पूरा होगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जब आपका कट ऑफ तैयार किया जाता है, जिनका शिफ्ट हार्ड होता है और जिनका आसान होता है, सबको बराबर करके तभी कट ऑफ आपका निकाला जाता है। ठीक है गाइस, ये बात आपको याद रखनी है, कट ऑफ आपका गिरेगा क्योंकि बच्चों की अनुपस्थिति बहुत ज़्यादा थी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं। और एक और यहाँ पर बड़ा कारण निकल गया है कि कट ऑफ क्यों गिरेगा, बच्चों को फ़ायदा क्यों मिलेगा। हर बच्चे की आंसर की में 2 से 3 सवालों का गलत किया हुआ है, जो आपका यूपी पुलिस के द्वारा जो ये भर्ती की गई थी, इसमें आपके 2 से 3 सवाल सभी बच्चों के पेपर में यहाँ पर गलत थे, जिनका आपको फ़ायदा मिलेगा, जिनका आपको बोनस नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ लेते हैं। और दोस्तों, मैं यहाँ पर यह भी बात करूँगा कि जो जिन बच्चों के नंबर कम है, आपको नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलेगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ आपका रिजल्ट कब आएगा और आपका फिजिकल कब होगा, ये भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ आगे। तो गाइज, बात कर लेते हैं आपका रिजल्ट कब आएगा, आपका फिजिकल कब होगा। रिजल्ट आपका लगभग 25 फरवरी तक आपका रिजल्ट यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा, और आपकी जो फिजिकल होगा, मार्च के दूसरे हफ्ते में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज, आपको फिजिकल में लगे रहना है और आपको कमेंट करके बताना है कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मेरी कास्ट ये है, सब कुछ आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है गाइज, आप लोगों को कमेंट करके बताना है नंबर कितने बन रहे हैं, कास्ट कौन सी है और आपकी हाइट कितनी है, ये 3 चीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है, अंत तक इस वीडियो को देख लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि सभी बच्चों को प्रॉपर जानकारी मिल सके, सभी का भविष्य यहाँ पर बन सके। ठीक है गाइस, आगे जानकारी ले लेते हैं, क्या आपकी कट ऑफ रहेगी और नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो गाइज, यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे, फ्रीडम फाइटर की भी बताऊँगा यहाँ पर कट ऑफ, घबराना आपको नहीं है, एक्स सर्विसमैन की भी बताऊँगा, पूरा वीडियो देख लेंगे ध्यान से। कैटेगरी वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके जनरल में, पुरुष में 160 से 170 नंबर बन रहे, आप लोग सेफ जोन में हो। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरे तो 140 नंबर हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 130 के आसपास नंबर हैं। आपको वीडियो पूरा देखना है,
जिन बच्चों के नंबर कम है उनके लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी मैं आगे बताऊंगा, वीडियो को पूरा देख लेंगे। तो गाइस मैंने क्या बताया, जनरल में अगर इतने नंबर है आप लोग सेफ जोन में हो, ओबीसी में 150 से 160, एससी में बात करें 140 से 150, एसटी में बात करें 150 से 140 सॉरी 130 से 140, अगर आपके इतने नंबर है आप सेफ जोन में हो। एक्स सर्विस मैन वालों के लिए 110 से 120 नंबर है, आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सेफ जोन में हो, आपको फिजिकल में लगे रहना है। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर बात करें फ्रीडम फाइटर की, अगर आपके 90 तक भी नंबर है तो आप लोग सेफ जोन में हो, आपको लगे रहना है। ठीक है गाइस, अब बात कर लेते महिलाओं की। महिलाओं में बात करें फीमेल की यानी जनरल की 150 से 160, अगर आपके इससे कम नंबर है तो वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आपको पता चल पाएगा जानकारी क्या रहेगी, क्या आपकी कट ऑफ रहेगी। मैं नॉर्मलाइजेशन भी वीडियो के आखिरी में बताने वाला हूँ। ओबीसी में बात करें 140 से 150, एससी में बात करें 130 से 140, एसटी में बात करें 110 से 120, एक्स सर्विसमैन में बात करें 100 से लेकर 110 तक नंबर, और महिलाओं में फ्रीडम फाइटर में बात करें अगर आपके 80 तक नंबर है आप लोग सेफ जोन में हो। ठीक है गाइस, आगे बात कर लेते हैं आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, कैसे आपके नंबर बढ़ेंगे, आगे देख लेते पूरा प्रोसेस। तो गाइस नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, एक बच्चा है जिसकी शिफ्ट काफ़ी हार्ड रही, उसके 135 नंबर बन रहे हैं, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, सभी के लिए ये बात है। अगर आपके नंबर 135 तक नंबर है और आपकी शिफ्ट काफ़ी टफ आई हुई थी तो आपके 10 से 15 नंबर बढ़ेंगे पक्का, बढ़ने के बाद 150 के आसपास आप लोग चले जाओगे। ठीक है गाइस, जो मैंने आपको पीछे बताए नंबर वो आपके रो मार्क्स थे, वो आपके मतलब विदाउट नॉर्मलाइजेशन वाले नंबर थे, ये आपके नॉर्मलाइजेशन वाले नंबर है। एक बच्चा है जिसकी शिफ्ट यहाँ पर मीडियम आई थी, न ज़्यादा टफ न ज़्यादा आसान, इसके 140 नंबर यहाँ पर अगर आए हैं तो इनके 10 तक नंबर बढ़ के 150 तक इनके चले जाएंगे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ लेते हैं। अगर एक बच्चा जिसका आसान है पेपर, इसके यहाँ पर 3 से 4 नंबर बढ़कर 150 के आसपास चले जाएंगे। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि इतने नंबर कैसे बढ़ सकते हैं। दोस्तों जब यहाँ पर कुछ बच्चों का पेपर हार्ड आता है, कुछ बच्चों का आसान आता है, तो उनको बराबर करने के लिए सभी को नंबर दिए जाते हैं, ताकि सभी को यहाँ पर बराबरी की जा सके, सभी को यहाँ पर इक्वल किया जा सके। यह आपको जानकारी नहीं होती, इसलिए मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है। आगे बढ़ लेते गाइस, मैं आपको एक चीज़ की विनती करता हूँ। यहाँ पर आपको पता चल गया कि कितने नंबर आपके बढ़ के आपके कितने नंबर हो जाएंगे। नंबर, आपकी कास्ट और अपनी हाइट, ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और सभी से हाथ जोड़कर विनती है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाएंगे। और अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और ट्रिक से पढ़ाई करना चाहते हो, और दोस्तों सबसे बड़ी बात, मैं तो ये चाहता भगवान करे सभी का सिलेक्शन हो जाए, और जो भी मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ आप लोगों को फिजिकल में लगे रहना है, अपनी तैयारी को नहीं छोड़ना है, आपको हार्ड वर्क करते रहना है, एक ना एक दिन आपका सपना ज़रूर पूरा होगा, आपका फिजिकल भी होगा, आपको जॉब भी मिलेगी। ठीक है गाइस, सारी चीज़ें आपकी होंगी। आगे बढ़ लेते हैं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, 2021 में नौकरी लेना चाहते हो, और गणित और रीजनिंग को ट्रिक से पढ़ाई करना चाहते हो, ये चैनल का जो नीचे लाल कलर का बटन होता है इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे, ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जाम मैटिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आपके सारे सपने सच हो जाए, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को सपोर्ट जरूर करना गाइस, वीडियो को सपोर्ट करना गाइस। मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ सभी बच्चों को प्रॉपर जानकारी मिलनी चाहिए, और वीडियो को लाइक कर देंगे गाइस। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी।